अरे लल्लन बाबू बिल्कुल चिंता ना करें, बाहर रहुआ माल का लोडिंग हो रहा है। हाँ बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए। सगरे माल के लोडिंग हो गए रणवीर बाबू, चीनी की हर बोरा में चरस गांजा के पैकेट छुपा के रखवा देनी। मैनेजर बाबू, मैनेजर बाबू, मालिक की गाड़ी फैक्ट्री में आ गई। मालिक की गाड़ी? मालिक, प्रणाम मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। और सुनावा कंपनी कैसन चल रहा बिया, और कंपनी के सौ से मजदूरन के जिंदगी कैसन चल रहा बा? सब खुशहाल बाने मालिक। अरे काहे ना होके रणबीर बाबू, समय से चार दिना पहले तनख्वाह दियल जाता, रात में छुट्टी भी जल्दी कर दियल जाता। और ताऊर मालिक, राउर कंपनी के चीनी इतना बढ़िया बन रहल बा कि दिन रात आर्डर के घंटी पे घंटी बज रहल बा मालिक। हेलो हाँ, हम अबे आओ तनी गोरख, गाड़ी हवेली ले चले, जल्दी जल्दी जल्दी। लागत है किसानुआ फिर कौन उत्पाद कर ले बा। अरे भैया, मालिक के दिलो दिमाग ऐसे ही भटकल रहे ताकि हमनी के गोरख धंधा ऐसे ही चटकल रहे। मालिक आगे ले। मालिक मालिक मालिक, गजब हो गए मालिक, गजब हो गए। का भेल? अब का बताएं मालिक, मैं कहने के आवे के पहले ही छोटका मालिक बिना ब्रेक के फटफटिया पे राधा से मिले चल गए मालिक, और साथ में ससुर फोफिया भी बा। अरे लेकिन तोके तो रोके के चादरा लुकड़ा के समझा बुझा के है, हम परसों ही कहले रहनी हां कि मैकेनिक बुला के ब्रेक बनवा दा, बाकी तू तू ही बचपन से पल्ले बाड़ा होकरा के तो फिर कैसे भुला गिले ओकरा आदत। हे भगवान, अब का करी का करी हम, तू बिना ब्रेक के फटफटिया पे हमार लाल हमार करेजा के टुकड़ा के का हाल हुई, कहां हुई हूं। उड़ी कैसे न ससुरी, एक कनवा बनू जोर से आई अपने उड़े लगी। अरे क्या रुकी कैसे रे? रुकी ना का रे आज हम सब खूब मस्ती कर रहे हैं। राधिका अरे हट जा हट जा आगे जा हट जा। किशन बाबू कहाँ चल गए लेन? कहाँ है? राधिका मेजा बानी हाँ साथ में हम बानी।
राउर यही सब हरकत हमरा के बिल्कुल पसंद नहीं थे। चली नीचे उतरी जल्दी। कैसे उतरी? अब हमके काली चढ़े वाला उतरे ना वाला। तो बैठल रहा सांझले, हम तो जाता नहीं मेला देखे। और हाँ, आज से हमरा से बात मत करी हम, हमार तोहार कट्टी। अरे राधिका हमके उतार के जालो। हाँ एकदम के उतरे ना वाला, ऊपर से गलती से मोटरसाइकिल बहुत ऊपर चढ़ गई बा। गई बुबिया अब का होई? होई का राधिका हमसे कट्टी कर ले ली। हम ही ना वो कट्टी कर ले लीन, तुम मस्ती कैला। बाबू ऊ कैसे रे अपन खोट भरल कान हेने लावा। ए बबिया तू करो अब के दर्दी एक बात कर ले रे। किशन बबुआ तू ठीक बाड़ा नू? किशन तू लड़की के साथ यहाँ का करता रहा? मालिक एमा किशन बबुआ के तनिको दोष नहीं थे, सारी गलती मुंशी जी के भांजी राधिका के बा। मालिक ई किशन बबुआ के परछाई बनल चाहत बिया, जब देखा तब माछिनियन आगे पीछे भनभनात रहेली। लेकी आज के बाद तू किशन से ना मिली हा? मालिक हम कबो किशन बाबू से ना मिलल चाहे, बल्कि किशन बाबू ही हमरा से जहाँ तक बात करत रहे। तो किशन जब भी दिखाई पड़े जोड़ जाइल करा, बुझलो? जी मालिक। जा बाबूजी, राधिका तो आपके कबो ना डांटे ली, तो आप उनके कहे डटनी है फिर? कहे से कि अब जल्दी है हम तोहार शादी करे वाला बनी, और हमरा सम्मान और इज्जत के नजर से तोहार ओकरा से मिलल जुलल ठीक नहीं थे का बुझला? बाकी सब तोरा के जटा संगर समझा दी है, अब चला जल्दी घर चला। आपको के ये समझौले है का? चला 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 हम तोरा के सब समझा दे। चला जटा शंकर चाचा इतना नीक कपड़ा पहिर के कोनो को बरात देखे के का हो? अरे किशन बबुआ केहू और के बरात नहीं, तोहरा के अपन होके दुल्हन के देखे के बा। हाँ मालिक तोहार दिया एगो अमीर खानदान के विदेश में पढ़ल लिखल लड़की से तय कर देले बाड़न, अपना मातारी बाप के साथ उस सुंदरी तोरा के देखे आ रहल बिया। जटा शंकर चाचा बाकी हमके तो राधिका सुंदर लगे ले, और हम बिया भी वो करे से करब। छी 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 किशन बबुआ, राजमहल नियल दिन में पता नहीं कहाँ से कंगाल तोहरे बस गैल बिया। हे बबुआ अब तनी सोचा उ भिखारिन ई घरे के दुल्हन बने लायक बा ना बा? अरे विदेश में पढ़ल लिखल लड़की से तोहार बियाह हो जाई तो लड़की तोहरा के पढ़ा लिखा के होशियार बना दे, और कंपनी के काम काज खेती बाड़ी के लेखा जोखा ये अनपढ़ गंवार राधिका रख सकेली का ना रख सकेली? अच्छा बबुआ अब मेहमानन के आवे के समय हो गइल बा, चला। ठीक बा चला। हाँ चला चला। सुस्वागतम सुस्वागतम रवलोग बैठी ना बैठी ना। अरे आप ही लोगन के इंतजार होत रहल, हम ही यहाँ के जटा शंकर चाचा, हम ही बचपन से इनकरा के पाल पोस के बड़ा कैली हैं। रवा से मिलकर बहुत खुशी भइल। धन्यवाद। ये सब तो ठीक बा श्रीमान, पहले ये बताई हमार होखे वाला दामाद कहाँ बाड़े? बुलावत आनी श्रीमान, बुलावत शंकर चाचा। और ये भाई चुटी पकड़त रह लिया। मालिक आई नहीं है यहाँ सोफा पर बैठी आई बाबा। अरे मालिक ई बाड़िन आप रोके वाला सासू माँ। सासू है तो बाग कैसे हो जी? और ई बाड़िन आप रोके वाला ससुर जी। अच्छा बीड़ी पियाला एक बता। और मालिक की बारी नाक खोखे वाली दुलही। दुलही अभी बतावा तोरा के दुलहिन पसंद आयल कि ना आए? सही बताई जटा शंकर चाचा। हाँ हाँ बताओ चलिया। हाँ बतावा बताई तो जटा शंकर चाचा। हाँ हाँ
रैया से निको कर माई लगत। जटा शंकर चाचा। हाँ बेटा। सब कर परिचय तो दयाला है। भाई उनके गोदिया में क्यों बैठा ना, उनको भाई हो का? अरे नहीं बेटा, वो उनका पोषण कुकुर है। कुकुर? हाँ। गोदिया में? अरे बेटा, आजकल बड़हन लोगन के यह पहचान बा। अच्छा, तेरे बात बतावा, इनके गोदिया में कुकुर रहे तभी हवा के बाद हम कह रहा। What nonsense? इकोने साइंस के बात कर रही थी। नहीं बेटा, साइंस के ना है। इनकर कहे का मतलब ये है कि ब्याह के बाद दो दो घंटा के पारी बाद दे, दो घंटा तोहार और दो घंटा उनके कुकुरे के। जटा शंकर चाचा, अगर दो दो घंटा का पानी बनिया ना तो इनको कुकुरा का पिछवा पेट्रोल छुआ दे। आप लोग नाश्ता करें, नाश्ता करें। करें ना तो हम करें लगे तो ना बच्ची। जटा शंकर जी, ये सब का हो रहल बा? पहले ये बताई, ठाकुर साहब कहाँ बाड़े? अरे श्रीमान, मालिक चीनी मिल में गए बाड़े ना, आउते हुए हैं। तब तक वो लोग नाश्ता करें ना। रुकी रुआ लोग, रुकी ससुरी माछी मेहमानन के नाश्ता के पहले जुठार दल। आज हमें के जिंदा ना छोड़। अरे काकर, अरे काकर बड़ा मालिक, रुक जा। हाँ भाई, यहाँ बैठ जाओ। काकर बड़ा मालिक, काकर बड़ा मेहमानन के का हाल हो गए? रुक जा, रुक जा, रुक जा जी, पचन पाई। अच्छा हो जा, बैठ गेलो। अब रुको, हिले मत, हिले मत, रुको रुको, हिले मत, हिले मत, हिले मत, हिले मत। Mom, what's happening? Mom, baby. Hilya ma, look up. रुक जा, हिलिया मत, आज एक जान से मार दे। रुक जा, रुको ना। हिलिया मत, आज एक जान से मार दे। समझे? तुम मालूम ना, इतने मेहमान की नाश्ता जो ठंडे बा। हिलिया मत, हिलिया मत। मालिक कुछ बतावे की जरूरत नहीं है। जटा शंकर जी, यह जाके हालात हमरा के सब बता रहा बा। बाकी दिल के हाथे मजबूर बानी, हम एकरा के इतना प्यार करेनी, एकरा के डांट फटकार भी ना सकेनी। बाकी तोहार अगर यह रवैया रही तो मिल के कारोबार खेती के देख रेख के करी बेटा? यही से कहता नहीं बेटा, तू बचकानापन छोड़ के अपन जिम्मेदारी समझा। हमरा बाद ये कुल कारोबार के देखे वाला एगो तू ही तो बाड़ा। हम तो समझा समझा के थक गए नी जटा शंकर। अब
तू ही समझावे एकरा के। मालिक अगर समझावे के बाना तो मुंशी जी से कहा को अपनी भांजी के समझावे। जब ले वो छोटके मालिक से मिलल जुलल बंद ना करी ना, छोटके मालिक के समझाए के कुछ फायदा ना होई। हाँ अरे तो वही कहावत भइल कि खेत चरे गधा और मार खाए जुलहा। गलती करे उस ससुरी और डांट सहे छोटके मालिक। बाकी मालिक जटा शंकर जी कुछ गलत नहीं कह कहत मुंशी जी। हमारे को बात याद रखिया कि बाढ़ अला पे भी मछली पेड़ पे ना चढ़ पावेली, यही से अपना औकात में रहिया। समोसा भैया। वो भैया सुनो ना, तू कनवा में कितना नीक बात बतावे ले रे पपिया। चल सारे आता। राधिका, राधिका, एक मजे को बात बताई। बतावा। जोन लड़की हमरा घर में आयल रहनु ओकरा साथे हम ऐसन खेला कोई नहीं कि वो हमरा से कबो भी याद ना करियो। काहे किशन तू ऐसन काहे कहला? हम तोरा से भी आ करें नू। देखी किशन बाबू, तुहार बाबूजी को नामवर और इज्जतदार आदमी बाड़न, और तोरा के ऐसे कोनो काम ना करे के चाहे जौना से तोरा बाबूजी की इज्जत पे आ जावे। तू एगो समझदार लड़की से ब्याह करके आपन घर बसाला और आपन बाबूजी के कारोबार के आगे बढ़ावा। और रही बात हमार तो हम तुहार एगो अच्छा दोस्त बाट ले बानी। ठीक। अच्छा अब हम चलता नहीं, तू हो घरे जा ना, तो तोहर बाबूजी तोरा के हमरे साथ देख ली है तो फिर से बिगड़ी है। किशन, किशन, ये नहीं देखा खत मर दे, तू एकदम बकलोले बारा का वो तोरा के बकवा लेमचू चुसा के चल गई, अब तू रोके के बजाय है खड़ा बारो। तो का करी, कैसे रोकी? सुना हम जे कहा था ना से करो। अरे हमरा साइज में आवन ना आवा। बुझला तू करवा में कितना नीक नीक बात कर ले रे। चल आ जा बेटा। राधिका, का बात बा मामा जी, इतना खिसियाल काहे बाड़ा? सब तोहरे करतूत से। उ दू कौड़ी के नौकर जटा शंकर सरवा जकर औकात देख के हमरा सामने खड़ा होके के वो हमरा से आंख मिलैलस। और तो और ठाकुर साहब के ज्वालामुखी नियन गुस्सा हमरे तो बुझात बा यहां से नौकरी उकरी सब चल जाई। एकर कारण बा तोहर किशन बाबू से मेल जोल। मामा जी, किशन बाबू के संगे हमार गंगा जल जैसन पवित्र सिर्फ दोस्ती के रिश्ता बा। और वैसे भी मामा जी, हम कबो किशन बाबू से ना मिलीला, बल्कि उहे हमरे संगे मिले के मौका खुदे ढूंढत रहेलन। ये सब कैसे समझाई हम ठाकुर साहब के, कैसे समझाई? सुन तू एगो काम कर। सारा से ब्याह कर ले, वो अच्छा कमा खा रहल बा। ऊपर से मैनेजर बाबू रणवीर सिंह बारन ना उनका बड़ा खास आदमी बा। मामा जी रवा अब बस करी, रवा सोच भी कैसे लेनी हमार दिया ओ लुच्छा से करे के। अरे हम तो थूकता नहीं ओपे और ओकरे कमाई पे। चुप कदा मत बोल, हमार कमाई खा के हमरा के आग दिखाओ तेरे। एक बात कान खोल के सुन ले, हम ओकरा के जबान दे देले बानी। अगर जबान दे देले बाड़ो तो मुंह में सिर्फ दांत लेके घूमो। और रवा के है हमरा खातिर जबान देवे वाला? एको बात और मामा जी, फिर कबो हमरा के कमाई की धमकी ना दे हा। काहे कि हम रवा घरे नहीं, रवा हमरे घरे बानी। पूछला बड़ा लज्जा पाते वाला।
घोड़े में जात बांधल बा का रे हैं जल्दी करा सब ओहो मालिक जवान चीनी आदमी के जवान पे मिठास देवेला वे चीनी के मिल से चरस और अफीम जैसन जहर के कारोबार करेगे तो आर हिम्मत कैसे भई माफ कर दे मालिक अब का करी लेकिन एक कारोबार में इतना दौलत बरसेला सच्ची कहते इतना दौलत बरसेला कि हिम्मत का पहाड़ खड़ा हो जाला हाँ लेकिन चिंता ना करी मालिक रउआ कंपनी पे कौनो आँच ना आवे दे चुप कर हरामखोर हम अब्बे पुलिस बुला के तोरे तकदीर में जेल के चक्की पे सब लिखवा देता नहीं मुंशी जी तुरंत थाना में फोन लगावा क्या भाई तोरा सुनात नहीं क्या मुंशी जी अरे सुनात नहीं क्या मालिक का कहता रन है मुंशी जी भाई रोगलवा है ए मालिक ये लोग रात ही गए खाली हमार बात सुने रहे बस कहे कि रउआ ये लोग के काम के बदले सिर्फ तनख्वाह देने और हम तनख्वाह के साथ साथ मुंह मांगा इनाम हां मुंशी जी हां मक्कार धोखेबाज तोर गुलामी होई हम देखे हम खुद फोन लगाता नहीं किशन बचुआ चाचा मत रोवा बचुआ मत रोवा अरे डॉक्टर तो भगवान के दूसर रूप होले भगवान चाहिए ना तो मालिक के कुछ ना होई हाँ कुछ ना होई मालिक के बाबूजी भरोसा रखा बचुआ भरोसा रखा डॉक्टर साहब हमने के विचार बाकी मालिक के शहर के कोनो बड़ा अस्पताल में दाखिल करा देवे के चाहिए रउआ विचार एकदम सही बा बाकी अभी ठाकुर साहब की हालत ठीक नहीं खे सर में बहुत गहरा चोट लागल बा रास्ता में जाने खतरा हो सकेला इनकरा के होश में आवे दी फिर अस्पताल ले जाई डॉक्टर साहब हमरे बाऊजी के जल्दी ठीक करी हमके बाऊजी से बतियावे के बा चिंता मत करा हम पूरा कोशिश करता नहीं ठाकुर साहब पे जल्दी होश आ जाई हाँ बचुआ रउआ लोग कृपा करके बाहर जाई मरीज के पास भीड़ मत लगाई प्लीज डॉक्टर बाबू मालिक जल्दी ठीक हो जाए आप चिंता न करें सब ठीक हो जाए डॉक्टर साहब बाड़े नु चल चल हम जाना तारी रहुआ बहुत लगाओ बा ठीक बा हम हो जाता नहीं लेकिन हमार बाबूजी होश में आई और हमके पूछिए तो कह दिया कि हम बारी में फुफिया के संग गुल्ली डंडा खेला थे जटाशंकर चाचा तू चला तू एजे रहबा तल्ला करबा चल 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 जल्दी ठीक बा हमार चप्पल का पहन ले पहन ले चल बाबूजी होश में है तो हमके बुला लिया हाँ हाँ तू चला चिंता मत कर चल मुंशी जी इससे पहले कि बड़वा होश में आवे अब पुलिस के सब कुछ बतावे एकरी जिंदगी का कनेक्शन काट देवे के बाद नहीं तो हमनी की जिंदगी जेल में बीती ठीक कहत बड़ा मैनेजर बाबू अब जेल ना जाए ना जाए बा मुंशी जी अब ठाकुर के मरल जरूरी बा किसान बाबूजी आप तो एकदम ठीक हो गए नहीं बेटवा इससे पहले मौत के आनी में हमारा सांस लड़खड़ा जाए हम
अपना दिल में बरसन से छुपल एगो राज तोरा के बता दी हल चाहता नहीं। बाबूजी, आप मोले के नाम लेता हम आपसे कट्टी कर ले। डॉक्टर साहब कहले कि आप एकदम ठीक हो जाए तो आप ही इकुल बात मत करी। हाँ तोहर ये भोलापन तो हमरा के डरवावेला। ये जालिम दुनिया हमरा बाद तोहरा के जिए ना दे, जिए ना दे। अच्छा एक बात बताओ, उ फोटो के कर हा? हम माई के फोटो था ना बेटा, उ तोहरी सौतेली माई के फोटो हा। सौतेली माई? हाँ सौतेली माई, जौन तोहरा के अपना अचला के नीचे पाले के सपना ले ले ही दुनिया से गुजर गई ली। तोहर अपन माई अभी भी जिंदा बिया, उ तोहर जुड़वा भाई करैया के साथे मुंबई में कहीं रह रहल बिया। सौतेली माई, आपन माई, जुड़वा भाई, कुल का आप बतियावता नहीं, हमरा समझ में कुछ नहीं क्या आवत। आप तन ठीक से बताई ना। बेटवा, आज से 22 साल पहले हम एगो छोट से कंपनी में मैनेजर रहनी। मालिक हमार काम से बहुत खुश रहला। अभी के संजोग कहीं के बेदना के लेखा मालिक के घरे आवत जात मालिक की बेटी अनुराधा के हमरा से प्यार हो गए। ये बात के भनक जब मालिक के लागल देख रुद्र प्रताप, तुम्हारी ईमानदारी और नेक नियति से हम बहुत खुश बानी। तू एक अच्छा मैनेजर ही नहीं, तू एक अच्छा इंसान भी बड़ा। आज अचानक तोहरा ई खातिर बुलौनी हो कि हम तोहरा ई कंपनी के मैनेजर से मालिक बना दे। और तू तो जानते बड़ा कि अनुराधा हमारी इकलौती बेटी हो। हम चाहता नहीं कि तू अनु के हाथ थाम ल और ये कारोबार तू ही संभाल ल, फिर हम आराम से तीरथ चल जाए। लेकिन मालिक, हम तो पहले से ही शादीशुदा बनी और दुई को जुड़वा लेखन के बाप भी है, जैसे हम राउर इच्छा पूरा ना कर सकब। रउआ हमरा के माफ कर। मजबूर हो के हम ब्याह तक कह ले नी, बाकी लक्ष्मी अनुराधा के अपनावे खातिर बिल्कुल तैयार ना रही। ये बात के सदमा लेके अनुराधा हमेशा दुखी और बीमार रह लगली। और अनुराधा के पीड़ा देख के हम फरियादी नहीं, दोबारा जब तोरी माई के पास गईनी तो असंभव। ये बात एकदम बे असंभव बा किसन के बाबूजी, हम उना गिन के हरगिज माफ ना करब। वो हमार घर गृहस्थी के डस ले ले बिया, हम अपन गरीबी में भी खुश रह ले, बाकी हम के उकुलटा के धन दौलत ना चाहिए, हो ना चाहिए। हमरा इतना समझौला के बाद भी तुम्हारी नाराजगी ठीक नहीं खे लक्ष्मी, और हम तो अब्बू तोहरा के उतने प्यार उतने इज्जत देता नहीं जितना पहले देत रहनी। यह से कहता नहीं कि तू अनुराधा के माफ कर दा, और ये कुछ ना तो अपन छोट बहन समझ के माफ कर दा। बहन? सौत भी कभी बहन के दर्जा ले ले बिया? क्या हम ओकरा के बहन समझी? एगो बात रवा कान खोल के सुन ली, रवा के आज और अभी फैसला लेवे के बा, रवा के हमरा संगे रहे के बा कि ऊ कुलटा के संगे। बस लक्ष्मी बस, बहुत हो गई ली तोहर जिद्दी रवैया। हम जितना आशा लेके आयल रहनी है उतने निराश होके जाता हूँ, बाकी हम अकेले ना जाए, किशन और कन्हैया में से एगो के साथ लेके जाए। नहीं नहीं, हम ना ले जाए,
ई लइकन के हम जन्म देले बानी उ चुड़ल के पास ना ले जाए दे कोनो दहेज में ना लेके आइल बाड़ू ई लइकन पे जितना तोहार अधिकार बा उतने हमरो बा चले हटा हमरा से हम तोहरा के वापस लेके जब अनुराधा के पास आईनी तो पहले से ही ई दुनिया छोड़ के चल गए रानी उकरा कुछ दिन बाद हम तोरे माई और भाई के खोजे के बहुत कोशिश करनी पर वो हमरा के ना मिलली बाद में हमरा के पता लागल क्यों कन्हैया के लेके मुंबई चल गई मुंबई हाँ बेटवा एजा हर पल हमनी के ऊपर खतरा मंडरा रहल बा दुश्मन के पूरा फौज खड़ा हो चुकल बा अगर हमरा के कुछ हो जाए तो मुंबई जाए के अपन माई और भाई के एजा ले आइया लक्ष्मी एगो पढ़ल लिखल औरत दिया वो जरूर कन्हैया के पढ़ो ले होई वो लोग एजा आ जाए हैं तब पूरा कारोबार संभाल लिए बस बेटा ये बात तू केहू से मत बताइया ना तो तोरे जान पे भी खतरा बनाई ना बाबू जी हम केहू से ना बताई हम ना बताए केहू से शाबाश बेटा शाबाश अब चुपके से जाके एगो कागज और कलम ले आवा ओकरा बाद हम जौन लिख के दे उ ले जाके लक्ष्मी के दे दिया ठीक बाबू जी हम ले आओ तनी अब ये लेके आओ तनी जा बेटा एकदम छुपा के लेनी है क्यों ना देखला सा ला लिख दा आजी ला ऐ बाऊजी कागल बाऊजी के चाचा बाऊजी कागल बाऊजी डॉक्टर झूठ बोलत रहले का गलत तो के कुछ ना है छोड़ के मर जा बाबूजी छोड़ के मर जा बाबूजी बाबूजी उठाना बाबूजी अब के छोड़ के मर जा बाबूजी चाचा काबिल बाबा बाबूजी का काबिल मालिक के मालिक काबिल मालिक के काबिल मालिक के मालिक 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 कुछ का हो गए मालिक के साहब देखा बाबूजी का का हो गए पहले बाटे की तब खाए के एक दो सरकार ठीक दो दिन बाद एक तारीख आ जाएगी हमके पता तब रहुआ यो पता हुई कि ठीक एक तारीख के मजदूरन के तनखा दिया जाले सरकारी चेकवा पे साइन कर दी ताकि टाइम पे मजदूरन का तनखा हो जाए जी अब बस जटा शंकर चाचा हाँ सरकार देखा मैनेजर का पांच के आगे पांच गो अंडा बनौले हम ना करबे पर दस्तखत ओइसहु बाबूजी हमके एकरे बारे में कुछ ना बतौले रहना
सरकार। इससे पहले बड़े मालिक भी 5 अंडा वाले चेक पे साइन करत रहलन। अब अगर रउआ साइन ना करब तो कंपनी के मजदूरन के और उनके बाल बच्चन के भूखो मरे के नौबत आ जाए। यही से सरकार ए पर साइन कह दे। हाँ जटा शंकर चाचा, तू कहत हुआ था मैं पर दस्खत कह दे। हाँ सरकार, बाकी हम बहुत मेहनत करके दस्खत करे सीख ले, फोकट में ना करब। 100 रुपया हमके और 10 रुपया फोफिया के दी वही बात तब लिखो। हाँ सरकार मिली ए मुंशी जी, दा भाई पैसा दा। अरे कहे ना कहे ना। ए फोफिया ले हमरो रख, हमसे कहीं गिर जाए हमके दिए बाद। और दिल बहुत बड़ा बा सरकार, बहुत बड़ा। मांगब तो दिए। हाँ ठीक बात। जटा शंकर चाचा। हाँ सरकार। एगो बात हमारे समझ में ना आई ला, ये कुल हमके सरकार का ही कहत हुआ। सरकार तो बाबूजी रहना, हम तो हो गए ना। इमा कोनो बड़ी बात ना है ना सरकार। वो कहा है कि जब राजा के स्वर्गवास हो जाला ना, तो करी जगह युवराज के राजा बना दिया जाला। अब बड़े सरकार के तो युवराज रहुए मानी नो। ही कुल उनके रोज सरकार का या? हाँ सरकार। अच्छा। हाँ। और ये नमस्ते करिया? हाँ हाँ रोज नमस्ते करिया। और ये हम डाटक तो दे रही हैं सो? हाँ सरकार सब दे रही हैं। अच्छा। का देखता रहा लोग? बोला बोला। मालिक लगता नहीं कि ना। एकदम बड़े सरकार नियन। इस सूट बूट में ते रहुआ बार निम्मल लगता नहीं मालिक। हाँ तो जल्दी 2 टिकट के व्यवस्था करा लोग, हम मुंबई जाए। मुंबई? अरे रहुआ अचानक कौन करा जा गई? तो से मतलब जितना कहानी उतना करा, समझ ला। जैसन राहुल मर्जी। कब के टिकट नहीं करवा दी? एकदम लड़बक बकलो लबका हो। फौरन कहानी मतलब कि फौरन निकलवावा। मुंशी जी जी राधिका कहाँ भी है? वो जहाँ कहीं भी हुई रहुए इंतजार कर रहे थे मालिक। ए भैया। ए भैया चल तो तनी आज राधिको के अपन जलवा दिखा दे। चल बेटा। मुंशी जी जी ये बकलोलवा मुंबई जाए के काय कहता पता लगाई? एक और लंबी यात्रा के पीछे का कारण? किशोर भैया हेने सुना एने वा लोहा गरम बा, इतना खुश बाली राधिका, आज आपन दिल के बतिया कहता, इतना अच्छा मौका फिर कबो ना मिली। ए पोपिया तू करवा में कितना नीक बात बतावे ले रे। ए राधिका तनिका होनी और कोनवा चला ना को बात करेंगे बा, चला आवा। रुका 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 एजेंट निविया तो रुका। अब तो हमके सब के बड़का साहब कहे लगल, तोरो के तो हम निक लगत आ रही ना, तब हमसे ब्याह कर ला। किशन बाबू तोहरे बाबूजी के गुजरे पे महीना भर भी ना बीतल और तोरा पे फिर से ब्याह की नशा चढ़ गई। जे केहू भी बात सुनी सब थू थू करी और फिर लोगन के कहले भर से और इस सूट बूट पहले से के मालिक ना बन जाला। जे तोरा के सही मालिक बने के बा तो आपन कंपनी आपन बगीचा खेत खलियान सब सही समझदारी से चलाई, ना तो ई लोग जे तोरा के मालिक कहलन ना उहे तोरा के नौकर बना दी है। ऐसा ना हो सकेला। तो के गुराज का बात बताई? बोला
बाकी देखा कि उसे बताया मत। बताई ना, मुंबई में हमार माई और भैया हुआ, हम जाए बोलो के जी ली आई और ले कारबार समरिया, तब हमसे भी आ कर वो ना। लेकिन तू तो कबो ही बात के जिक्र ना कहला। हम क्या मालूम रहल, उता हुए के पहले ना बाबूजी हमसे बतौलन, अब हम बहुत जल्दी मुंबई जाए अपने माई और भैया के लेके आई, तू भी आकर तैयारी करा। चलो बबिया। अरे ये मैनेजर बाबू, नशे में कम और तनी होश में रह के सीख ला। न तो उ सरवा किसनवा कोनो न कोनो दिन बहुत बड़हन झटका दे दी। ओ मुंशी जी, ई नसीहत देल बंद करी, चुपचाभी बताई कि ओकरा मुंबई यात्रा का कारण पता चलल कि ना। अरे हम जेकरा के सोच ले पता करे के भला ओकर पता ना चली। अकलू चौबे नाम बा हमार, दरअसल ओकर माई या भाई बारिन सन बम्बई में। माई और भाई? हाँ, बरका मालिक के पहल का मेहरारू। अरे वो सरवा उन करे के खोजे खातिर ही बम्बई जाए के चाहत बा। जरा सोची मैनेजर बाबू, अगर कहीं वो लोगन के खोजे में सफल हो गए हमनी के सारा मामला चौपट हो जाए। मुंशी जी, जब माई और भाई ओकरे होवन तो ढूंढे के बाद कहाँ से आ गए, का ओकरे पास पता ठिकाना नहीं खे? तुहार मोट दिमाग पहली बार 100% बढ़िया बात कहले बा। अरे पता ठिकान तो दूर के बात बा, अरे वो सरवा तो वो लोगन के देखले भी नहीं खे। तब तो हमने के रास्ता एकदम साफ। रास्ता साफ बा, हम समझ नहीं ना। तोरा के समझा के जरूरत नहीं क्या? मुंशी जी सही कहलन, तोर मोट दिमाग बा। अब तो चुपचाप देख हम कैसा लीला करता है। मुंशी जी बोली, देखो ऐसा मनई खोजी जो किसनवा के माई करे बात किसनवा जाई भगवान के पास। और ओकर दौलत आई हमनी के पास। खबरदार, होशियार, हिंदुस्तान के शहंशाह जिल्ले इलाही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। गधे की औलाद, हमारी इज्जत का दुश्मन मुजरिम सलीम को हमारे सामने पेश किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत की आंख को हरगिज बुझा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नादान सलीम, हमारे सहजादे होकर भी तुमने 2% की छोकरी अनार कली से मोहब्बत करके हमारी शान को धूल में मिला दिया। तुमको पता नहीं उसकी माँ हमारे महल में पोछा मारती थी। चिल्लाइए मत, मुंह मत खुलवाइए, पता है, सब खबर है। अम्मी जान से नजर छिपाकर घुस जाते थे उसके रूम में और कभी कभी तो शो खत्म होने के बाद निकलते थे। खामोश, इस गुस्ताख की गर्दन सर कलम कर दी जाए। जुलम ना करो, अम्मी।
मेरे लाल। मम्मी, मम्मी। मेरे लाल। मम्मी। नालायक, छोड़ मेरी बीवी को। गर्दने या सिक्का कोई जब कलम करवाएगा, दुनिया उस पर थूकेगी, वो थूकदान बन जाएगा। ऐसी बद्दुआ मत दे मेरे लाल, मत दे। ये तेरे अब्बा जान है। अरे अम्मी, ऐसे अब्बा गए थूकदान में, बुढ़ा गए हाँ 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 बोलते हैं, और तिरछी नजर से अनार कली को देखते हैं। अम्मी, तुझको नहीं पता, अगर मैं इस बुढ़े पर नजर नहीं रखूं, तो अनार कली समाज में मुझे दिखाने लायक ना रहे। मुझे सब पता है, लेकिन तेरा मुंह देखकर मैं चुप हूँ मेरे लाल, वरना मैं कब की आत्महत्या कर लेती। ऐसा मत बोल अम्मी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुझे दुखी करने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएगा। बद्दुआ देता है हरामजादे। अब आगे अपनी अंतिम इच्छा बता, हम तुझे एक पल भी जिंदा देखना नहीं चाहते। हाँ तो ठीक है, मैं मरने से पहले दिल्ली की सबसे खूबसूरत नर्तकी को भोजपुरी गाने पर नाचते हुए देखना चाहता हूँ। भोजपुरी आइटम पेश किया जाए। सादे हम तुम्हारी पसंद से खुश हुए, तुम्हारी सजा माफ की जाती है। मेरे लाल। हाय 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 हाय, हे करे जा, सुना, हे फटाफट बुढ़िया का कपड़ा उतारा और नई नवेली दुल्हन का कपड़ा पहनला, ना तो समझ ला कि ही कपड़ा में लफड़ा हो जाए। हाँ बाबा, पहले ही हार की कठिया तक खोली, ओय होय, ना तो हम अपन कपड़ा कैसे खोलब। आई हो हमार करे जा, तन घुम, हां घुम घुम घुम। का हो सिसकी की जगह खोखा तारू। खोखा तारू उधर देखी है, बाहर जा, क्या हवा हो तू, मंडली में जोकर के कोनो जगह खाली ना बजा। जा, अरे जा, भाई हम जोकर उकर ना है। हाँ। हम तो अरे उत्तम नाटक के सर्वोत्तम ग्राहक ना चाहिए, कोनो ग्राहक ना चाहिए। अब वही तो हम किस हाग रात कयो रात तो बजल। अरे हम तोहरा के माला माल कर दे। आई देखा माल, ये जी सुनी, हाँ ये तो माल मिल जाए, माल मसूरी चल के हनीमून मनावल। अच्छा मसूरी होटल हनीमून है सर जी। हाँ बैठ 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 बैठ। अच्छा टाइम पहले बोली कमल नाटक करे एक बार, लला मजनू के ही रांझा के देवर भाव जाएगी जमन नाटक का हफ्ता और नाटक। लेकिन एक बात याद रखी, ये तो हो गए एडवांस। हाँ हमारी नाटक मंडली के पैसा टाइम भी मिल जाएगा, चाहे याद रखिया। बोला मंजूर बा, हमरा मंजूर बा भाई, बाकी हमरा के तो हर मंडली ना चाहिए। हाँ तू तो हर माई बस रापटा खींच के दिया, जाके गिरबा बाहर माई हुई है तुहार। हमार तो मेहरारू हो, आज सुबह रे ब्याह भइल। ब्याह आई बुढ़िया से। ओ बुढ़िया, ए बुढ़ाओ तुहार आंख हो के कुर्ता के बटन। हाँ इनकरा के हम बुढ़िया लौकतानी, ठहरा तोहरा के हम दिखावतानी। देखा इते एकदम टकटक वाली हो। हाँ बाकी एक बात बा, जहाँ तू लोग के चले के बा, वहाँ इनके दो जवान बेटा के माई बने के बा, जे में एगो तू बा रह एगो वही जे बा, एक्टिंग ऐसन होके के चाहिए, ऐसन होके के चाहिए जैसा असली माई बेटा फेल हो जाई है। अरे वाह रे वाह, तू तो एकदम बढ़िया के तराजू ऐसन परफेक्ट मारू हो, वेरी गुड। तो मेहरारू के कर भी है। अब चला जटा शंकर चाचा। हाँ चल। हाँ आज भाई भाई है घर। अच्छा अच्छा। हाँ तू लोग के बड़ा हो और बिना पुछले सुछले ऊंट नियन मुंह ऊपर कह के यहाँ हवेली के अंदर कैसे चले लिया। हो अच्छा, जौने हवेली में हमारे बाबूजी हमारे भाई के साथे बरसों से रह रहल बड़े, ऊ हवेली में हम अपना माई के साथे आए तो हमारा की इजाजत लेवे के पड़ी। ए जमान संभाल के बात करा, हमारा भाई कहाँ बा,
हमार भाई किसान कहाँ बा? हम कन्हैया है कन्हैया, ओकर भाई बुलाओ। नहीं, ये ना हो सकेला, ना ये ना हो सकेला, नहीं, ये ना हो सकेला, ये ना हो सकेला। रउआ हमरा के छोड़ के ऐसे कैसे जा सकेली? हाँ, ऐसे कैसे जा सकेली? रउआ मुए से पहले मिलके हमरा के अपन मुंह दिखा देले रहती, दिखा देले रहती। बेटा बन के हमारे महरारू के तू हमके जोड़ के कहा चल गए रलुआ? तो के हमारी याद ना आवत रहले। देखत का बारा तू हो जाके भाई बन के हटावा। अच्छा, हे भैया किसान हो, हे भैया हम तो आर बड़का भैया आई, अब हमारे गले से लग जाओ और हमार भैया हो। हे भैया सुना, तू रोवा मत, अगर तू ना चुप हो बना तो माई और रोई चुप ना होई। अच्छा, माई के चुप कर आवत है भैया, तू ही चुप हो जा, माई चुप हो जाई। ए, चुप कर, बंद करी नाटक। अरे छोटे मालिक, हमरा तो लागत है दोनों बार रुपया ठाकुर साहब का दौरा धड़ पे आइल बाड़न। चुप, तो क्या बार माई और भाई बार रुपया लगत हुआ, दिमाग खराब कर बा तू। ई कुल या चूड़ी पोरल, आई कुल सेनूर पोशल, तो के नाटक लगत है, तेर दिमाग खराब कर बा, नौकरी से निकाल दे बाप। लेकिन मालिक, अगर ये लोग राउर के आपन बाड़न, ती बात के जिकर ठाकुर साहब एकरा से पहले कभो काहे ना कहले। देर दिमाग मत चला बाप, कुछ बात बाबूजी हमके अकेले में बतौले रहले, तू का जानत हुआ बात कर तू। बाकी समझ में ना आइल हमने के की तो के समझे की जरूरत ना, समझ ला, चुपचाप माई के गोड पर आ। जी अतरा है कपरचिल, टकलू तू गोड ना छोगा तो के अलग से देवता देव के पड़ी, चल गोड छो। चल चल चल, पाई लगी जी अतरा। अब भैया के क्या जुई धरा खुजरा खुजरा। ये भैया सुना, अरे जवान हो कि बड़ा खतरनाक आदमी हो, ईमान बड़ा आदमी क्या भैया? अरे कंपनी का ना मैनेजर रणबीर सिंह। अच्छा, हाई सुपरवाइजरी करला सरदवा। तो कादा कादे से रहा है? बहुत मरई बा लोग। आई ना चटा संगर चाचा हुआ। और आई राधिका का मामा हुआ मुंशी जी। अच्छा, मुंशी जी राधिका कैसा दे? एकदम निक भी है। अच्छा ठीक है, तो लोग जा कल 10 बजे ऑफिस में आइया, जा चला निकला यहाँ से भाई, चल अब दोनों के घर दिखाई, ऐसे जीव ना बैग उठा लिया, चलो अब लेके आओ। चला चला भैया, 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 चला छोटा मक्कार, हटा दे तोर पगार, मरे लगी तोरा पूरा परिवार। गलती का होगा भैया, अब लगम मार है भैया। मालिक को मालिक, आज से तीन को मालिक हुआ, माई भैया और हम। तक करे मैनेजर, तय हमारा भाई से पांच के आगे पांच अंडा, मतलब पांच के आगे पांच सुनना, मतलब 5 लाख रुपया के चेक ले ले बाले। ले ले बानी। ताही, ताही ले ले हाँ। बताओ बताओ बताओ। अब हमारे भैया के हिसाब दा, दा। हिसाब एकदम साफ बा, मजदूरन के तनखा देनी और गन्ना कटाई के बकाया देनी और आपन तनखा भी ले लेनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कुल में कितना सरक गई बेटा, मतलब कितना खर्चा भाई? 4 लाख
80,000 के आसपास। मारब ससुर पे आसपास नहीं, हमरा के पूरा हिसाब चाहिए पूरा। मार मुंह का तकताड़ा हिसाब बतावा। ओके डाटा भैया, ओके ओके डाटा हिसाब दे। अबे अबे मालिक, 480,700 रुपया मालिक। मारा बाप तो हर कुदान भर जाए। 19,300 का भरे, बताओ 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 कहाँ भरे? सेफ में बाप, सेफ में। तो सेफ में साफ करना चाहता रहा बेटा रख के, हमारा भाई के माल तो हर पे चाहता रहा। सही कहता नहीं भैया, एकर ये बिचारे लगाता हमके। अरे ओ मैनेजर, ये भोला भाला मासूम के धोखा देता रहा तू। हाँ आनर हो जाइबा आनर, वो तो भला है कि हमने के आ गई नीचा, ना ही तो पैसा का होई जवाब दा खाजत माई। देखिए मालिक, हम मैनेजर से नौकर बन सकेली, लेकिन रउआ साथे चोरी ना कर सकेली। अरे रउआ चुप कहे हो गई नी, जवाब दी रउआ माई। तू भैया के रउआ काहे कहता रु? वो बेटा का होनू, दूसरा के सामने हमने इनके इज्जत ना दे तो दूसरा केहू कैसे इज्जत दी? माई तो कितना समझदार वाली रे। छोड़ा ना, तू बड़ा हो गईला। बड़ा बड़ा, बड़ा, बड़ा बड़ा बेटा बड़ा हो गई। बड़ा? हम बड़ा हो गए नहीं। तब मैनेजर तोहरे ऊपर से विश्वास का साया उठ गई बा। आज के बाद कंपनी के कोनो काम बिना हमारे पूछे ना होके के चाहिए। हम कब तक चीनी आई, हम कब तक गन्ना आई, और गन्ना ना रही तो खोया पर आई। कि सर हम ठीक कहनी है ना? भैया आप कितना समझदार है भाई, भैया के बहुत पढ़ौले हो ना। हाँ बेटवा, अब तू न रहला तो तोहरे हिस्से का पढ़ाई इनके ही करा देनी। हाँ। माई हमार कितना ख्याल रखे। हाँ, भाई हम राधिका से मिले जाए। हाँ जा, हमार लाल जरूर जा। जाए मन पूछे वाली कौन बात है किसान? राधिका की है। प्रेम कहानी। मुंशी जी। मालिक तो अपने भांजी का अचरा हमारे भाई के गमछा से बदबा की ना? रहुआ का कहत वाली मालिक, ई तो हमार हमार भगनी के बहुत बड़ा सौभाग्य की बात बा। हम कालिए शुभ मुहूर्त निकलवा देत वाली मालिक। देखला ऐसे तुहार एक एक करके जितनी इच्छा वकुल पूरी हो जाए। भैया हमारा एक को इच्छा राधिका। अच्छा भैया अच्छा लाला, मैं ना तिजोरी की चाबी है, ठीक से रखे बाबू। ना ना तू रखे ना, कि तू रखा। अरे रखना, रख ला बेटा रख ला, किसन देता था रख ला। अच्छा अच्छा, अब हम जाए भैया। अच्छा, हम आई जाए। इतना बड़ जिम्मेदारी मिल गई, अब का बताई का? बहुत बढ़िया ड्रामा कर सन है। अभी तिजोरी की चाबी हमने के हवाले कर। अच्छा, इतना विश्वास कर के हम की तिहले पर, तो हम कैसे दे दे तोके? सरद बाबूजी का खातिरदारी करा था। खातिरदारी? अरे भैया कोला नहीं आ रहा नहीं यार, काय दिखाई पड़ता हो? अरे का करता नहीं, याद ना बता रही ये किशनवा खातिर नहीं, हमनी खातिर यहां आइल बा। अरे अरे छोड़ी छोड़ी, अरे दे दी ना चाबी। भाई साहब भाई साहब, छोड़ दे इनके आके। छोड़ दो सर, छोड़ छोड़। अभी इनके अपने असली मालिक का पहचान हो गई। सुन, अब तक जाकर किशनवा से बोल दे कि ओकर ब्याह राधिका से हरगिज ना हो सकेला। अच्छा, ऐसे कैसे ना हो सकेला? ब्याह तय हो चुकल बा। आराम खोर, अगर ब्याह ना टूटी हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दे, तोड़ दे। अरे ऐसा ना करी, ऐसा ना करी, समझे के ब्याह टूट गई। हाँ समझे के ब्याह टूट गई, टूट गई। छोड़ दा, छोड़ी जी, चली जी, चली चला। अच्छा, अरे मोरी भैया ने अरे कैसा यल के चक्कर में कहा फंस गए रे। हां मुंशी, जट्टा संकट चाचा, हमके लगा था कि भैया हमके कुछ से कल नहीं कर चाहत, इससे मना कर देने।
लड़का से हमार बियाह होके देवल नहीं गुंजा। अरे नहीं बबुआ, अपने राम जैसन भैया पे ऐसन दोष मत लगावा। वो तो राधिका के देखले बगैर ही ओकरा से तुहार बियाह तय कह देले रहलन। लेकिन जब वो राधिका के देखलन और उनकरा के पता चलल कि तू सिर्फ तीने क्लास पढ़ले बिया, तो तोहरे भलाई खातिर ही फैसला कैले ना बबुआ। हे बबुआ, तू ओकरा के अपने दिमाग से निकाल द, वो तोहरे लायक ना बा। तू चुप रह, और बुद्धि ना चाहिए हमके। अगर हम फैसला कैले कि हम राधिका से बियाह करब, तब भैया और माई के कैसे मनावे के वो हम सोच ले। तू जा यहाँ से, जा यहाँ से तू। ठीक बाबा, हम जाता हैं। ठीक बाबा। सादर प्रणाम। हम राधिका से बहुत प्यार करेली। उ जब नाही लौकेली तो ओके देखे के मन करेला, और जब मिल जाली तो बतियावे के मन करेला। हमार रउआ सबे से यह विनती बाकी, राधिका से हमार बियाह करवा दी, नहीं तो हम अपन जान दे दे। राउर दुलरुआ की संसरी। चिट्ठिया का करवाए भैया? चिट्ठी आत्महत्या के बाद का? लेकिन हमने हत्या में पड़ा और ओकरे बाद किसनवा के चिता चरी आई। चिता? ए भैया, चिता तो मुर्दा के जललनु, किसन तो जिंदा बा। जिंदा के मुर्दा बनावे में हमनी के टाइम ना लागेला। ये मामला में हमने यमराज से भी ऊपर वाली जा। आज सांझी ले किसनवा का काम तमाम के देवे के बाद, ओकरे बाद पुलिस थाना जाके रिपोर्ट लिखावल चाहिए और एक खत दरोगा साहब के देल चाहिए। और जब पुलिस खोजबीन करी तो किसनवा का लाश मिली, फिर ओकरे लाश पे नकली वफादारी के असली घड़ियाली आंसू बहावल जाए। बिल्कुल सही मैनेजर बाबू, जैसे ठाकुर साहब के मुआवले के बाद हमनी के ढेर सारा आंसू बहले रही जा। अरे भगवान के डरी लोग, रउआ लोग कितना पाप बटो रतानी। चुप, पाप पुण्य के बात मत कर। और हाँ, बुढ़िया बनल बड़े बुढ़िया बन के रह, हमनी के ज्यादा उपदेश देवे के कोशिश मत कर। अरे उ सरवा किसनवा मरी ना तई करोड़ों के दौलत जो हमने हथियावे के सपना देखले बानी, उ सपना टूटी की ना है? अरे त लेकिन सपना तो तब मुँह सकेला कि जब ओकर असली माई और भाई आ जाई हैं। अरे क्यों ना आई? ए महाराज, नौटंकी के कहां से लियाल बनाया है? सवेरा सवेरा सुबह बोला था। अरे जब ठाकुर जैसे फेमस आदमी के मरला के बाद क्यों ना आई, तो ओ सरवा के मरला के बाद क्या आई? अबे सारा गांव तोहनी के ओकर माई और भाई चाहता था। जौने का फायदा ही मिली कि किसनवा कत्ते रही बीतते ही सारी दौलत तोहनी के नाम हो जाई, और फिर और दौलत के बेच के जौन रुपया मिली वो हमने आपस में बांट ले जाए। तूनी साला कुकुर वाला सन, तूनी साला हराम खोर वाला सन, तूनी साला सुअर वाला सन, तूनी के हम अपन साथी समझत रहे लेकिन तूनी के तो घाती वाला सन। ही हमार माई या और ही हमार भाई या, माई और भाई के नाम पे एकनी के हमरा के
चलत रहला सन। साला तोनी हमरा बाबूजी के मार डाला सन, और अब तोनी के हमरा हमरा के मारल जात रह सन। ई ना हो सकेला, ई कबो ना हो सकेला। पकड़ साला के, अब हम ना पकड़ा इस सरऊ और ना तो हम लोग भाग पाईबा। हम कुल बारे से बंद कर दे दरवाजा, हाँ, और अब हम जाती थाना में कुल बात दरोगा जी से बताई, और तो हम लोग साला लोग फांसी पे चढ़वा, हाँ फांसी पे चढ़वा सार लोग। अरे दरवाजा तोड़ दो, भागे ना बाबे सरवा। अब का होई जी? अब का होई? जेल होई। जेल? हाँ, और जेल में सुहाग रात होई, और फिर सुहाग रात के बाद बच्चा पैदा हुई है, कुल सारे हवलदार हो जी हैं। तोहरा के तो मजाक सूझता, हमार तो जीव नटई में अटक गई बा। मालिक थक गईला? और भगवा तो हम लोग हमके काहे के मारल चाहता रहा लोग। पैसा पैसा ले बालो गन, कुल पैसा ले ला लोग, कुल घर और कुल ले ला लोग, मिलियो ले ला लोग, हमके मारा लोग मत, हमके मारा मत। हम अपने भैया और माई के हम मुंबई चल जाए, हमके बहुत मारा लोग। कहाँ जाइबे? थाना ना जाइबे? ना जाइबे। अरे 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 मुंशी जी, मुझे जी हमके बचा ला। मुंशी जी हमके कबो क्यों ना मर ले, हमके बहुत घाव लगे थे। मुंशी जी बचा ले, घाव लगल बा, बहुत दुखा रहल बा, बहुत दुखा रहल बा। तोहरा से ज्यादा हमके दुखा रहल बा सारे, तू हमरा के बहुत भगैले। मैनेजर साहब हमके उसे कुछ ना बताए, हम थाने ना जाए, हम तो हम लोग का गोड़ पर है। मैनेजर हमके बचा ला, हमके मत मारा लोग। मैनेजर साहब हमके मत मारा लोग। अरे बाप रे, देर लगिन बका। हाय कुल दुखा। अरे भाई क्यों ना मारी इनके? हैं मालिक बाड़े ने? हां मालिक। चट्टा संकर चाचा। संभाल के, अरे हम आ गई, हम आ गई। चट्टा संकर चाचा, अच्छा बहन जोन तू आ गई ला,
नहीं तो ये कुल हमके मार के मुआ देता सो जटाशंकर चाचा लाठी से नान के मारा ये कुल हमके बहुत मार मर ले। तू फिक्र मत करा मालिक, तू फिक्र मत करा, तू फिक्र मत करा, ये अधूरा काम पूरा करे खातिर ही हम आयल बानी। जटाशंकर चाचा। हाँ सारे जटाशंकर चाचा, ई कुल गुड़ के कुंडा हम ही नहीं, हम इन तोहरा के बचपन से दूध में दवा पिला पिला के बकलोल बनौली है हम ही, और हम ही नन्हनी के चीनी के बोरा में चरस गांजा और अफीम सप्लाई करे का आइडिया हम ही दे ली है। और सुन, तोरा बाप के मुआवे खातिर घर का पछला दरवाजा हम ही खोल ले रहली है। और आज और आज तोर काम भी हम ही तमाम करब। हाँ, हे मुहदस सारे के ला। रुक। हाँ, तेरी तो सारे। अब देखी तो तोरा के बचावे ला। हाँ, हे तेरी। अये आनार हो गई बारे। तुझे के का करबे सारे? टट्टी पिसाब के कराई जटा शंकर। हाँ, हे तेरी। राधिका, राधिका। मुंशी जी, एकरा के भी खत्म करे के पड़ी। ना ना मैनेजर बाबू, एकरा के छोड़ दी, एक एकरो से कुछ हो ना कही, एकर सारा जिम्मेदारी हमार बा। पक्का? हाँ, पक्का। हमार किसान भैया, ससुर लोगन हमार किसान भैया के बुआ देले, हम चिंता ना छोड़े, सब के बुआ दे, धोनी के मार जाला, खत्म कर दे, चिंता ना छोड़ा बाम, बुआ दे। अरे दबा दे सर, दबा दे सर। अरे अब हम मारते हैं, अब जान से तोरा के ससुर, जान से मारते हैं। हमें बंद करवा दे, फांसी पे चढ़वा दे। हाँ, हमें बंद करो बे, फांसी पे चढ़वा बे। आज तोरा के क्यों ना बचाए पाई सरू, तोरा के जान से मार डालो। हाँ, मार डालो तोरा। हाँ, जान से मार दे।
क्या रे चिकने, ये डांस प्रोग्राम काहे को बंद किया? चल शुरू हो जा, चल आज अब उनको रिलैक्स करने का है, क्यों रे दोस्तों? आज देसी के साथ विदेशी ढुमका भी देखने का है, जरा कमर के लटके झटके तो दिखा। चल शुरू कर, चल। देखो भाई, इधर हर काम का एक टाइम होता है और डांस का टाइम अभी खत्म हो गया। अबे चुप बे साले, तेरे को मालूम नहीं है क्या? अपन लोग जब पहुंचता है ना, तभी डांस का प्रोग्राम शुरू होता है और जब यहाँ से जाता है तब खत्म होता है। अभी ज्यादा बोल बचन मत कर और चल शुरू हो जाए। चल देखा था अरुण हो चिड़ई, अब तो लागत था कि डांस शुरू कर ही के पड़ी, कहें कि बिना बैंड बजोले ही माने वाला नहीं थे। बारे भैया साले, खाली बैंड बजौनी है, अभी डांस के साथ तोहनी के सहनाइयो बजावल बाकी बा। हम तो समझा समझा के थक गई, आज होटल भी तुम्हारी है मारपीट की वजह से भेंट चढ़ गई, बाकी नहीं तो के कब समझ में आई पता नहीं। मैं दाल ना बनू लोगा जी, मिलल ना उखा दाल चाहिए। तू झूठे ना गुस्सा करे लो हमरे पर, तो के तो पता है ना कि हमसे गलत बर्दाश्त ना होला। हाँ माई, भैया ठीक कहता रन, एमे भैया के कोनो दोष ना है। माई तो के क्यों की आवाज सुनाई पड़ा लगा? हाँ बेटा, ऐसा लगल जैसे क्यों तो के भैया और हमके माई कलस क्यों हो सकेला? क्या हम तो आर सगा भाई किसन हैं, हम मर चुका ले भैया, हमके तू लोग देख ना सकेला। अब ये कैसे हो सकेला? हम तो अपने माई के इकलौता लड़का हैं यार। ना भैया, हम तो आज जुड़वा भाई हैं, ना भरोसा तो माई से पूछ ला। माई ये कहा? माई माई बात में कितना सच्चाई है?
बताओ माई, माई बतावा। बता दे माई। हाँ बेटा, ये सच्चाई बा। तू हमारे इकलौता बेटा नहीं का, तुम्हारे एक जुड़वा भाई और रहे जिगरा की छीन के तुम्हारे बाबूजी हमरा से ले गेल रहलन। अब मान गए नहीं ना भैया कि हम सही कातरा नहीं है। अब अगर हमरा के देखे के बा तो तू लोग दिल से हमके पुकारा किशन सामने आ जा, किशन सामने आ जा और हम सामने आ जाए। किशन सामने आ जा, किशन सामने आ जा। लेकिन तुम्हारी हार कैसे मिला मार बच्चा? बताई न माई, वो कुल दौलत हड़पे खातिर के हमके बहुत बेरामी से मार के मुंह आ देना सो, और वो कुल ना बहुत पापी है हुआ सब, और बाबूजी के भी वह कुल मर ले हुआ सो, और अब बाबूजी भी हमरे तरह दुनिया में ना हुआ। भैया, बाबूजी के अंतिम इच्छा रहे कि हम बंबई आई और तोके और माई के लेके घरे जाई। अब तू लोग हमरे साथे चलबा ना भैया, काहे कि जोले तू वहां चल के ओ पाप इनके करनी के सजा ना देवा तोले हमके शांति ना मिली। भैया बतावा ना, तू चलबा ना, बोला भैया। बेटा, ये तो हर पहली लड़ाई हुई, जिम्मे तो हर माई के आशीर्वाद भी तोरे साथ हुई। बेटा, ये लड़ाई जीत के के तोरे भाई के आत्मा के शांति और ये विधवा माई के मन के संतोष और तोरे बाबूजी के सच्ची श्रद्धांजलि देवे के बा। तू चिंता मत करो माई, तुहार आशीर्वाद हमरे साथ बा, ये लड़ाई हम जीत के आई। अपना बाबूजी और अपना भाई के हत्यारण के उनके अंजाम तक पहुंचा के आई माई, ये हमारा वादा बतो से। चला भाई। अरे चल चला चल। हे मैनेजर साहब, एगो बात बताई। हे माई बेटा के नाटक में हमनी का मधुर वैवाहिक जीवन कब ले छटपटाई? और सुनी हे साहेब, हमारा के जाए नहीं भाई, आपका तो काम अब खत्म हो गया, कब ले रोको? अरे कहा खत्म हो गया बारे? अरे भाई तो सारा संपत्ति तोरे नावे करा के फिर अपने नाव करावे के बा। हाँ, हाँ, ये सब भैला से पहले अगर तू दोनों जाए का सपना भी देखला ना, सरऊ आंख निकाल के दरवाजा पे चिपका दे, बुझला? हाँ बुझ गई नहीं, लेकिन सुनी है मैनेजर साहब, हमारा के तो एगो डर लगा था। कैसन डर बे? अगर किशन कसली माई और भाई यहाँ आ गए तब। चुप सारे चुप। जब से आयल बा एक को बेर शुभ शुभ ना बोलले, जब देखा तब अशुभ ही बोले ला, हराम खो। चला चाल चला हो। लेकिन अगर डर तो निकल रही के बड़ी देख बंसिया। हाँ, अगर क्यों आ भी गए ना तो ते बन जाइए किशन। अच्छा, और तो मेहरारू बन जाए किशन का सौतेली माई। यानी इतना अदला बदली भैला के बाद भी
हम नहीं रहब मतारिये बेटा। सारे ई वक्त रंग में भंगडाले कौन आ गई? जेका देखा वह मुंह उठाए के धर्मशाला समझ के चले आवेला। अरे देखा तानी सुरमूड के सत्यानाश हो गई। तू क्या बड़ा? हम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जी का बेटा हैं कन्हैया। बाबूजी के मौत की खबर मिला तो सीधे चल गई। इस सोच के कम से कम वो जगह के दर्शन कर ली जहां हमारे बाबूजी आखिरी सांस ले लें। लेकिन ठाकुर साहब तब रहुआ का जिक्र हमने से कब बोला कहीं? जिक्र छोड़ी पहचान हम बता देता नहीं। यहाँ हमारे माई के साथ हमारे भाई किशन रहला। वो लोग के बुलाएं आप लोग की दुविधा दूर हो जाए। अरे अरे हमार बिटवा हम ही तो हर माई है। माई गोल लगा अरे जियत रहा तोरा देखे खातिर हमार आंख तरसत रहल। अच्छा भाई जे तू आ गई ला हमार लाल है तू भैया। हे भैया अरे भैया तू आ गई ला कहाँ रहला भैया? हे भैया अरे ऐसे का देखे तारा गले ना लगाई बा हम किसन है। लगाई लगाई देखा था नहीं कहाँ देखे तारा भैया एक ऐसा मॉडल हमारे परिवार में कहाँ से पैदा हो गई? बड़ा मजाक करेला हमारे भैया काश हमारे भैया की तरह सबके भैया होते तब ना। चलिए मालिक रउआ थक गए हो कब चल के आराम करी वही हम बड़का मालिक के बारे में सब कुछ बता दे। कुछ खाए ला पी ला है भैया थक गए लोग। नई मुसीबत कहाँ से आ गई? वो लोग कैसे टांग पसार के सोफा पर बैठ के सार लोग दारू पियत हूँ बैठा सार लोग। जब हमारे भैया का हाथ पड़ी ना तो उठा लाख नारा बालो साला आराम खो। भैया मन के चीनी मिल आओ जो मंदिर किनो से ऊख लौकत है ना वो ऊख से लेके और आओ अमरूद के बगीचा ले कुल जमीन नवाना का। हाँ। अरे पपिया भैया वो तो पपिया बैठा ला। पपिया क्या पपिया बस बहुत बढ़िया दोस्त है भैया कनवा में बहुत डीक डीक बात बतिया वाला हम उसे बतिया के आवत है। पपिया 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 देखो हम आ गए नहीं है पपिया हरिया देखो हर का देखा तू है अबे मैं दे ही पपिया। अरे सब एकर जुबान काट दिले हुआ सब ई बोल नहीं कह सका। हाँ भैया समझ गई नहीं तू चिंता मत करा रोवा मत तुम्हारा आंसू बेकार ना जाए अभी तूफान बन के उठी और दरिंदन के तिनका मतिन बहा के ले जाए। अब तू हंस बा और रोकने के रोइया सब Thank you.
चाहिए सबके। भैया इधर राधिका, ये के का हो गई ला, ये ऐसे काय हो गई भैया, बतावा ना भैया ये के का हो गई ला। लागत है पागल हो गई भैया, लेकिन तू जाना तरह काय करते। हाँ भैया, अरे हमार राधिका हमें से ब्याह करे वाला रहनी, बाकी हम मुँह गई नी। अब हमार राधिका लगा था यही से पागल हो गई लेका। भैया अब हमरे राधिका से ब्याह क्या करी, रहुआ कुछ करी ना भैया। अगर हमार राधिका ठीक ना हुई तब हम यहाँ ऐसा ही भटकत रह जाए। हाँ हमके कबो शांति ना मिली भैया, हमके कबो शांति ना मिली। ना हमर भाई, हम तो क्या ऐसे भटके ना दे, तू चिंता मत कर। तू चाहता रहना कि एकदम से ठीक हो जाए, हम कोशिश कर। तू अपना और राधिका के कुछ यादगार पल हमके बतावा, जोना से इनके ठीक करे में हमके मदद मिली। ठीक है भैया, वैसे हम राधिका के संग बहुत खेला खेलत रहनी, लेकिन ना एक बेर हम सूट बूट पहन के ओकरे सामने गई रहनी, और भैया एगो राज के बात बताई, हमें को गाना भी गोले रहनी। अच्छा कौन गाना गोले रहला तो के याद बा? हाँ भैया, एक बार फिर से सुना सकेला? हाँ हमके याद है, हम सुनाई। सुनावा। किशन आराम से लेट ला। रवा किशन बापू के भाई? हाँ हम किशन के जुड़वा भाई कन्हैया आए। काश हम पागल ही रहते, किशन बाबू की भयानक मौत और फोपिया पे भाई अत्याचार से अनजान तो रहती। अगर उस शैतानन के पता चल गए कि हम ठीक हो गल बाने तो उस सभी हमरी जान की भी दुश्मन बन जाइए। तोरा के अब उस सबसे डरे के कोनो जरूरत नहीं के, अगर उस सब तो के आंख भी देखी है तो हमेशा खातिर अंधा हो जाइए। उकनी के करनी के फल देवे खातिर ही मुंबई से यहाँ आयल बानी। हाँ भैया वो सरवन के छोड़िया मत। अच्छा हम चलते नहीं। ए पानी ले आड़े। अबे बुजुर्ग जी इतना परेशान कर रहा है। अरे क्या बताई बुजुर्ग बाबू, ऐसे झटका खेले बाड़ी सारा देह जल जल आ गई। पहली बात बुझावा मुझे जी, साफ साफ बतावा का। अरे क्या बात, अपनी आंखें से हम देख के आ रहे हलवानी, राधिका बिल्कुल ठीक ठाक बा। ना जाने ई ससुरा कन्हैया ओके कौन जादू कर देना। अरे अब ही डराए के कोनो बात नहीं के, कहे से वो ओकरा से कुछो बताइले ना होई। बाकी जौना दिन ओकरा भूतकाल याद आ गई तो हमने के भविष्य काल तब खराब हो जाए। इसे अब हमनी के सावधान रहे बहुत जरूरी बा, कहे से खतरा के बीज पड़ गई बा। अरे कौनो बात नहीं खे, ऐसे पहले वो बीज पौधा बन के उगे, हमनी के ससुर बीज के नष्ट कर दिया जाए। पहलवान
भैया आपके हमार पसंद कैसा लगल राधिका? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भैया आप तो हमरे और राधिका के बारे में जानिए गए नहीं। भैया जवन प्रेम हम राधिका के ना दे पौनी वो आप दे देना भैया। हाँ भैया आप राधिका का घर बसा दें और ओके अपना लें तबे हमरे आत्मा की शांति मिली भैया। हाँ रुक काहे गईलू करे जा, सैया के सामने देख के डर गईलू का? अच्छा बंद करी पागलपन के नाटक, पगली बनके बहुत दिन बचल रह लिया, अब ना बचबू। हट जो हमरा रास्ता से, ना तो ऊपर का रास्ता पकड़ा। ऊपर का रास्ता पकड़े का समय तो तोर आ गए बाहर हम ज्यादा, और हम अपने लड़ाई की शुरुआत मजा बहुत बढ़िया भैया, और मारा तारीख है और मारा हमके बहुत लात से मर ले रहा, लाते लाते मर ले रहा। भैया ये हमके पूछत रहे कि कागो अंगुरिया और फिर गिनवा गिनवा के हमके मारत रहे, एहू को इतना मारा कगोंगरिया बोल कगोंगरिया बतावा सार अब बतावा कगोंगरिया बतावा नहीं खे पता भैया ये हमसे पांचों अंगुरी गिनवा गिनवा के मारत रहे, मारत सारे के पांचों गिनवा के बताओ कितना उंगलियां, बताओ बताओ अब बतावा सार, अब ना कि ना था बतावा कौन उंगलियां बतावा, बताओ कितना उंगली बा हमरा के? कुछ नहीं खेलो कुछ, कुछ नहीं खेलो कुछ नहीं के, एकदम नहीं खेलो कर कुछ नहीं के तले पावर कच्चा मारा भैया देख रहे ना जटाशंकर जी, वो खतरा के बीच
पौधा ना पेड़ बन गए बा पेड़ उहो बरगद के। अगर कोनो दिन आरा के ओकर डाढ़ गिरल तो मुँह से डकार तक ना निकली। एक मिनट में कठौती भर मुँह से गांज निकल जाई। मुँह लटका के का देखत मारा भैंसा के लाश के। अब हमनी के बचे के कोनो रास्ता निकाला। निकालब अकलो जरूर निकालब। अरे बरसन से जौनी दौलत के हड़पे के सपना देखले बानी ओकरा इतना आसानी से तो ना टूटे दे ना, ना इतना आसानी से ना टूटे दे। समय आ गई बा बहरूपिया के सच्चाई का एकरा ता में जाए का समय आ गई बा। दादा शंकर भैया तो सिर्फ बंसी और सुरीली पे नजर रखा नहीं कन्हैया के बहकावा में आके वो दोनों कौनो राज न उगल दे। रणवीर तू फिकर मत करा। अरे हम बानी नू का मधुर मिलन हो रहा बा। का हो रहा बा कुछ तो ना बस तो तू हमार सौतेली माई हो और तू हमार भाई हो। सच सच बताओ तोहनी के का रिश्ता बा। न तो इतना मार मारब कि तोहनी के होश ठिकाने लग जाए। कन्हैया भैया मरिया मत हम सब सही सही बतावा तानी। हमनी दोनों जवन हो ना नौटंकी कलाकार बानी जा। जह दिन हमनी के शुभ ब्याह भइल है ना भैया उही दिन है मुंशीवा पता ना कहाँ से आके टपकल हो और हमनी के हवेली में लिया के तब से महतारी बेटा के एक्टिंग करावो तो भैया। हे भैया भगवान कसम हम सही तो से बतावत हई तब से एकदम छटपटा थई अब अही तक हमार सुहागरात ना भइल। आग लागे तोहरे सुहागरात के। कन्हैया बाबू हमनी एकदम बेकसूर बानी जा। हाँ भैया राउर बाबूजी के और किशन के ये दोनों लोगन के हत्या उहे लोग करले बाड़न। हे भैया हमनी दोनों परानी जवन हे महतारी और बेटा बने के नौटंकी कहनी हो ओका खातिर भैया हाथ जोड़ के दोनों परानी माफी मांगतानी। जौना रास्ता आइल हई हम दोनों परानी जात हई। चल भैया खबरदार जे यहाँ से जाए के नाम ले लेता। अच्छा तू लोग नौटंकी तब तक जारी रखा जब तक कि वो हराम खोरन के हमोकनी के अंजाम तक नहीं की पहुंचा दे। और याद रहे अगर भागे की कोशिश कैला तो तू लोग के हर रास्ता जेल की तरफ मोड़ देब हम। और अगर बचल चाहता तो कोर्ट में सरकारी गवाह बन के गवाही देवे के दे। अरे भैया कोर्ट में का जहां कहबा वहां गवाही देब बस हमन ही दोनों परानी के बचा ले भैया। समझा बच गेला अब एक काम करा। हाँ भैया जौना रास्ता से अला है हाँ वही रास्ता से निकल। ठीक बा भैया। हे भैया भैया हो हमार कुमार मेहरारू हो रउआ पहले बाहर निकली ना तो खतरा हो। भाग जा नहीं तो ऐसा मौरब की जवनिया में बुढ़ापा जी। चल भाग जाते ही जवान मेहरारू जान पे आफत। याद रखा कि बात के पता क्यों कि ना चले के चाहिए कि तू लोग के सच्चाई हम जान चुकल बनी। कल सवेरे थाना चले के बा तैयार रहिए लोग। जी बिल्कुल। सुरीली कहाँ चल गई? अंसी बंसी कहाँ चल गई? राधिका राधिका अरे मुंशी जी राधिका लिंगल भी का पूरा गांव देख लेनी आपके घरे भी देखनी है कहीं लोकल। राहत तो यह रहे मालिक बाकी आजकल पता बदल गई बा और खास अब खास लोग वहां पहुंच गए बारन चली रहुआ के पहुंचा देता नहीं।
ए मुंशी, अगर राधिका के कुछ भइल ना तो हम तोहके मुआ देब। नटई छोरी मालिक, आ चुपचाप गाड़ी के स्टेयरिंग पकड़ी। मुंशी के बात तो बाद में, पहले रउआ अपन आदमी के जिंदगी बचावे के बारे में सोची। चली बैठी। चल बैठा। आई मालिक आई। आवा आवा आवा, तोहरे कमी रहल। ये सब देख के रउआ के समझावे के कोनो जरूरते नहीं के। हमनी के रउआ के बड़ा समझदार समझत रहनी, बाकी रउआ तो ओकरो से पढ़ के समझदार निकल ली। बाकी तोहार होशियारी काम ना आयल। अरे अगर तू शेर बाड़ा ना तो हमनी के सवा शेर बानी। अब अगर एननी के जिंदगी बचावल चाहत बाड़ा ता कागज पे साइन कह द। साइन साइन हरगिज ना। तोहनी के करतूत के तो हम ऐसा सजा दे कि तोहनी के नरक में भी जगह ना मिली। ए बाबू आराम से, कौनो जल्दबाजी ना। हमरा के मालूम रहे कि तू इतना आसानी से ना मन ऐसे तोरा के काबू में रखे के पूरा इंतजाम कर ले बानी। बड़ा मोह लागत बा भाई। तू ये हरामियन के चंगुल में कैसे आ गई? धोखा से बाबा, धोखा से। ये लोगन वा घरे आइला नरके लगलन तो हर एक्सीडेंट भइल बा। तू बहुत सीरियस बाड़ा, हम कुछ सोच नहीं समझ नहीं ना बाबू। बस भागल भागल ये लोगन के संग आ गई नी। अब तू सोचत होबा कि तोहरी पूज्य माता श्री के पता हमनी के कहां से मिलल। ए बाबू, तोरी बैग के कोना कोना छान मान ली और पता मिलल तोरे बटुआ से। अब बतावा कैसा रहल हमनी के नहले पे दाला वाली ई चाल। कहाँ जा रहा है? अरे बाबू, अब कहाँ चुकाई? कहाँ भागे तारे पापा? अरे राधिका बेटिया, ई का करत बारू? हमरा के जीते जी जरावे के चाहत बारू? हम तो हर सागा मामा है। मामा मामा, तुम मामा ना कंस मामा हव। आज हम तोरा के जिंदा ना ही पड़ो। जरा दलू ना हमर चेहरा। नहीं मामा, ई तो खाली मुंह कर रिया के नहीं हो।
अरे फिर से पगला गेल भड़ुका। नहीं कंस मामा, अभी तो होश में आई बानी। हरामी कैसा लागत आ रे बहुत छरकत रहा सारा चीता नियन। अब देख तोर हालत कैसन पशुआ कुकु नियन के दिले बानी। हमनी से बदला ले आयल रहे, हमनी से बदला। अरे ऐठत का बाड़े रे का ऐठत बाड़े। अरे हमनी के गिरफ्त से अब तोर जान छूटी शरीर ना। कहे कि चौना जंजीर से तोड़ा के बंध ले बाड़ी ना। अरे आदमी तक का हाथ ही भी ना तोड़ सकेला, हाथ ही भी ना। मुंशी जी जी, और इसने हालत में बेचारा साइन तो ना कर। हाँ। एक काम करे, बोली कंपनी और जायदाद के कागज पे एकर अंगूठा लगवा ली, बाकी हम कोर्ट में संभाल ले। जायदाद के सपना देखल छोड़ दे हरामखोर। कंपनी और जायदाद तो दूर, तोहनी के हमरा जायदाद के फूटी कौड़ी भी ना मिली। रस्सी जर गई, बाकी आइठल ना गई। उठ बुढ़िया। ए रणबीर, ये हराम ज्यादा इसे ना मानी, बुढ़िया के ताबूत के अंदर बंद कर दा। भीतरी बुढ़िया के दम टूटी और बाहर एकर सारे के हाइठन छूटी। हाय जटा शंकर, खबरदार जे हमरे माई के हाथ लगो ले, एक एक के जान से मार दे। बंद कर सब, बंद कर। देख हराम ज्यादा गौर से देख, हमनी के बात न मारे का पहला झटका देख ले। भैया ये सब क्या कर तुम्हें, ये सब माई के ताबूत में बंद करके उनके मुआवल चाह तुम्हें किसान। ठोक अकेला बाबा, बाजी तो तू तू खड़ा होके क्या करत हुआ, माई के कहन बचावत हुआ, हम क्या करें किसान। सब हमरे ताकत के जंजीर में कैद कर दे ले हो भाई। देख ले ले सारे हमनी से पंगा लेवे के मतलब देख ले ले। माई के कुछ ना हो भैया, माई के कुछ ना हो। तू हमके दिल से पुकारा और कहा कि किसान तू हमरे अंदर आ जा और हम तुहरे अंदर आ जाई, हमार शक्ति तोके मिल जाए भैया। हमके अपन शक्ति दा किसान, हमके अपन शक्ति दा किसान, हमके अपन शक्ति दा। माजी की छोड़ दो, माजी की छोड़ दो। Oh, my God.
तू ठीक तो बाड़ू ना शंकर फूल का कुंडा तू है सारा साला बहुत शेर बनत रहा ना अब कपार पर बहुत आई लेता बकरी मती निमिया तो साले मार जो चक्कर में कमीना पापी साले अरे थराउ तार नटाई कर के थाल भरी जवानी लेके ससुर हमार मेहरारू हमरे सामने हो हम रानुआ मतिल घूमत आई अरे पापी अरे हम एकर भतार है ये हमके बेटवा कहले सारे सब तोरे चलते ओ साले हम घूमत है रानुआ मतिल कुल भरे फुर दे साले Oh!
कारे सारे अब ना मर बे करे अबे ले बे पैसा ले पैसा जीत रहा बच्चू भाई तोरी आंख में आंसू तू काहे के रोत रो हम अपन और बाबूजी के बदला तो ले लेनी कुल दुष्ट के मार देनी कुल इनके खत्म कर देनी तू काहे के रोत रो मत रो आजी किसे एक बात और भैया और राधिका के ब्याह कर दा ई दोनों जने खुश रही हैं तबे हमऊ के शांति मिली